पब्लिक टीवी आपकी आवाज। समाज की सेवा में हमेशा अग्रसर रहने वाली संस्था यंग एनर्जेटिक पॉजिटिव पीपल के द्वारा ज्येष्ठ माह के प्रथम मंगलवार के अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया। संस्था की महिलाओं ने भंडारे का प्रसाद वितरण किया, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मनाए जाने वाले ज्येष्ठ माह का पहला मंगलवार के अवसर पर मुरादाबाद में भी महिलाओं को संस्था यंग एनर्जेटिक पॉजिटिव पीपल द्वारा रेलवे कॉलोनी श्री मनोकामना हनुमान मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। संस्था की महिलाओं ने मंदिर के बाहर भंडारे का प्रसाद वितरण किया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। संस्था की पदाधिकारी दिव्या अग्रवाल ने बताया कि हमारी संस्था के द्वारा लगातार विभिन्न अवसरों पर धार्मिक आयोजन और भंडारे किए जाते हैं। तो वहीं नेहा मेहरोत्रा ने बताया कि संस्था की महिलाओं के सहयोग से ज्येष्ठ माह के मंगलवार के उपलक्ष्य में भंडारा आयोजित किया गया। संस्था की पदाधिकारी मिली सिक्का ने भी बताया कि हमारी कोशिश रहेगी कि ज्येष्ठ माह के सभी मंगलवार के अवसर पर भंडारे आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा अन्नदान महादान होता है, इसी के चलते इस भंडारे को आयोजित किया गया है। इस अवसर पर नेहा मेहरोत्रा, मिली सिक्का, अदिति अग्रवाल, मानसी टंडन, वीनू बेज, पूनम भटनागर, प्रतिभा शालिनी गुप्ता के साथ और भी सदस्य उपस्थित रही। जय श्री राम। आज जैसे कि सबको पता है जेठ माह का पहला मंगल है, ये आज के इस महीने के जो चार मंगलवार होते हैं उनको बहुत बड़ा मंगल कहा जाता है और आज के दिन हनुमान जी की पूजा का बहुत महत्व है। उसी उपलक्ष्य में हमारी संस्था भंडारा कर रही है, जिसमें आप देख सकते हैं सब लोग बहुत अच्छे से वितरण कर रहे हैं। मेरे सभी साथी लोग इसमें मेरा सहयोग करते हैं और हम सबको इस सहयोग करने में बहुत अच्छा लगता है। कोशिश करते हैं कि हम मंथ में दो तीन बार ऐसा करते रहें और अगर हनुमान जी की इच्छा रही तो आगे चल के हम हफ्ते में भी करेंगे। यंग एनर्जेटिक पॉजिटिव पीपल आज हमने ये मनोकामना मंदिर पे ऑर्गेनाइज किया है और आगे चल के जो चार मंगलवार है वो हम अलग अलग जगह पे करेंगे। जी, ये हमारी YEPP यंग एनर्जेटिक पॉजिटिव पीपल महिला प्रकोष्ठ है जो ऐसे धार्मिक आयोजन करती रहती है। ये हमारे समय समय पर विभिन्न अवसरों पर हमारे आयोजन होते रहते हैं। आज हमारे ज्येष्ठ मंगलवार के उपलक्ष्य में मनोकामना मंदिर पर हमने ये भंडारे का आयोजन अपने पूरी महिला प्रकोष्ठ के सहयोग से और बाकी हमारे जो जेंट्स भी है, हमारे भैया जो हमारे महिला प्रकोष्ठ के जो हस्बैंड है भाई, उनके सहयोग से सबने मिलकर यहाँ पर एक भंडारे का आयोजन किया है और ऐसे भंडारे हमारी संस्था करती रहती है। सबसे पहले तो जय श्री राम, जय वीर हनुमान। और ये भंडारे का आयोजन आज आपने देखा होगा, जैसे ज्येष्ठ का बड़ा मंगलवार है उसके उपलक्ष्य में ये भंडारा किया जा रहा है और ये बहुत फेमस भंडारा होता है हर तरह। जैसे लखनऊ में बहुत सारे मंगलवार बहुत फेमस होते हैं, इसी तरीके से आप देख रहे हो हर सिटी में धीरे धीरे इन सब चीज़ों की पब्लिसिटी हो रही है। तो ये ज्येष्ठ का बड़ा मंगलवार है उसके उपलक्ष्य में हम लोग ये भंडारा करा रहे हैं यह अम्मा की रसोई के थ्रू। ये हम लोग का सेकेंड इनिशिएटिव है एंड हम लोग ट्राई करेंगे हर वीकली अब ये भंडारा रहे जब तक ज्येष्ठ के बड़े मंगलवार रहेंगे तब तक। हाँ, इसके अलावा हम लोग जैसे फीमेल ओरिएंटेड ग्रुप है ये, इसमें हम फीमेल्स के लिए अलग अलग तरह के इवेंट, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट उनका करवा चौथ तीज होता है ये हम सेलिब्रेट करते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग का अपना एक फाउंडेशन डे होता है वो सेलिब्रेट करते हैं। उसके साथ साथ ही हमने ये ऐप यह अम्मा की रसोई, क्योंकि मुझे लगता है अन्नदान महादान होता है तो उसके थ्रू हम लोगों ने ये सबसे इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव थ्रू करा है, जिसके थ्रू अब हम लोग पानी का वितरण करेंगे। जैसे लास्ट टाइम आपने देखा मीठा पानी था, अब दो तीन दिन में ही ये डिक्लेयर हो जाएगा कि हम लोग किस दिन रेड सिग्नल पे पानी का वितरण करेंगे उन सब लोगों के लिए जो लोग को वितरण नहीं पानी नहीं मिल पाता है प्रॉपर उन सबके लिए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।